चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने पीठासीन अधिकारी का वीडियो देखकर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर की आलोचना की और कहा कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मत पात्रों को विकृत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये भी है कि क्या वह इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? ये लोकतंत्र का मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने चुनाव अधिकारी की वीडियो देखते हुए कहा कि इस आदमी का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या ये रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है? देखिए, कुछ देर पहले जब चंडीगढ़ के मेयर की इलेक्शन हुई थी, जहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठजोड़ के जितने हमारे एमसी थे उनको बहुमत प्राप्त था, ये बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था कि एक तरफ 20 एमसी हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के पास 16 एमसी हैं। वहां पे बीजेपी के एक आदमी द्वारा, मैं समझता हूँ क्योंकि बीजेपी का बन गया वो अधिकारी, उस अधिकारी ने जैसे बीजेपी का कार्यकर्ता होता है ऐसे काम करके दिन दिहाड़े लोकतंत्र की हत्या की और दिन दिहाड़े हत्या करके जितने हमारे बैलेट बोर्ड थे उन पे अपने पेन से उन मार्क किया ताकि उनको इन बैलेट डिक्लेयर किया जाए। जी, आपके कैमरों ने, जो मीडिया है, जो मैं समता लोकतंत्र को बचाने वाला एक हमारा फोर्थ पिलर है, उसने उस चोरी को पकड़ा। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने ये टिप्पणियां की हैं कि देश के लोकतंत्र को का इस इलेक्शन में मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है। सो मैं समझता हूँ आज बीजेपी को नाक डुबो के मर जाना चाहिए। जब बीजेपी ने ऐसा कलंकित किया है देश के लोकतंत्र को, देश कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत शहर है देश का। यहां मैं समझता हूं पंजाब की, हरियाणा की, दोनों स्टेटों की असेंबलियां भी हैं और हमारी ज्वाइंट हाई कोर्ट भी है, यहाँ कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, विधान पालिका भी है। उस तीनों के जगह जहां तीनों एस्टेब्लिश है वहां पे लोकतंत्र को मार देना, लोकतंत्र का कत्ल कर देना, ये कलंक जो है वो बीजेपी के माथे पे लगा है। मैं इसकी निंदा करता हूं। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी जो अपनी सुनवाई है वो तो आगे होनी है, आज मुरली सुनवाई में, पहली सुनवाई में उन्हें बोला कि जो अधिकारी है उसके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो अब मैं समझता हूं एक टेस्ट की घड़ी है, एक और देखते हैं बीजेपी उस अधिकारी को बचाती है या मुकदमा दर्ज करती है। तो इससे पता चलता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी देश के लोकतंत्र की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उनको एक एक करके खत्म कर रही है। तो मैं समझता हूं आज देश को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। एक मेयर की इलेक्शन में, मतलब छोटी सी इलेक्शन में जब बीजेपी धांधली कर सकती है तो इसका मतलब है जब जनरल इलेक्शन होगी देश में तो कितनी बड़ी धांधलियां बीजेपी करेगी, कितना बड़ा लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश बीजेपी रचेगी। सो मैं समझता हूं देश के लोग इकट्ठे होंगे और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से बैलेट पेपर, वीडियोग्राफी और अन्य सामग्री सहित चुनाव प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक को सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए टाल दिया जाए।